तो जिस वीडियो का आप सबको बेसब्री से इंतजार हो रहा था, कान खा चुके थे कमेंट कर करके कि बस भाई फाइबर गिग क्रिएशन की वीडियो ले आओ, तो भाई बंदा हाजिर है। आज हम देखेंगे कि आप लोग किस तरह फाइबर पर अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं और भाई जान पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। आइए सीखते हैं। तो इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक मोहतबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि यार ये हरकतें मत किया करो यार, ये मैसेजेस वाली प्लीज गलती से। अभी तो चले, ये तो एक मैंने सैंपल प्रोफाइल क्रिएट की और इसी वजह से आप लोग जो बोलते हैं ना हमें आके जरा वीडियो में अपनी प्रोफाइल दिखाया करें जो आपने किया। मेरी तीन प्रोफाइलें यूट्यूब के ऊपर आकर माशाल्लाह आकर बैन भी हो चुकी हैं आप लोगों की इसी नजरे करम की वजह से कि जाकर सीधा यहाँ पर मैसेजेस, यहाँ पर ऑर्डर्स और पता नहीं क्या क्या करते आप लोग शुरू कर देते हैं। कुछ भी नहीं ना, अब तो शुक्र है कि फाइबर थोड़ा सा इस मामले में समझदार हो गया है कि उसने ऑर्डर कैंसलेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा बेहतर कर दिया, जिसकी वजह से भाई अब कुछ निज़ाम बेहतर है। अदरवाइज पहले बहुत से लोगों को आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से नुकसान होता है और फिर वो आपको पढ़ाना छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई ये फाइबर की जो प्रोफाइल है किसी भी इंसान की, भाई उससे रोजी रोटी लगी हुई है, प्लीज यहाँ पर आके मैसेजेस ना किया करें। इंस्टाग्राम है, ईमेल है, वहां पर अप्रोच किया करें, कमेंट सेक्शन है वहां पे अप्रोच किया करें और इस चीज को भी समझा करें कि सामने वाला भी इंसान है, उसकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, उसने सब चीजें हैंडल करनी है। अगर वो आके आपको कुछ सिखा रहा है, फ्री में बता रहा है, उसकी भाई कदर कर ले, ना कि उसको तंग करें। तो ये काम ना करें। ये खैर एक सैंपल गिग बनी हुई है, आपने सिंपली क्या करना है, इस क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद टाइटल कैसे फाइंड करना है, टैग कैसे फाइंड करने हैं, वो सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अच्छी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। तो मैं एक क्विक वीडियो लेकर जाऊंगा और सारा प्रोसेस दिखाऊंगा कि गिग क्रिएशन में आपने क्या करना है और जो जो मिस्टेक्स आप नॉर्मली कर रहे होते हैं वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। सबसे पहले चीज है जी, आपका ये टाइटल फाइवर ने भाई बोल्ड करके आई विल यहाँ पर लिखा हुआ है, वरना लोग यहाँ पर आई विल और आगे बार बार वो चीजें लिख रहे होते थे। तो टाइटल आपने कैसे बेस्ट फाइंड करना है, कैसे लिखना है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाय द वे जितनी भी वीडियोस हैं, वीडियो के लास्ट के अंदर आपको वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन्हें बाद में वॉच कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर फोकस करें, टारगेटेड कीवर्ड जो है वो लाजमी आपके टाइटल के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने टाइटल बहुत सोच समझ के ध्यान से एक बार रख लेना है, क्योंकि जो टाइटल आप एक बार फाइनल कर लेते हैं वो बाद में आपकी गिग का यूआरएल बन जाता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। टॉप पर आप देखें तो ये आपकी गिग का जो यूआरएल है वो आपकी गिग का टाइटल ही बन चुका है। बाद में आप गिग का टाइटल जो है वो अपडेट कर सकते हैं, बट भाई ये यूआरएल जो एक बार बन गया वो बन गया, इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। आपने अपने गिग का टाइटल एक दफा सोच के उसको बेहतरीन किस्म का लिखना, ताकि आपके एसईओ के अंदर प्रॉपर उसकी हेल्प आपको मिल सके। उसके बाद आती है जी कैटेगरी की बारी। आप किसी भी गिग को ओपन करते हैं ना, तो उसके ऊपर यहाँ पर आपको कैटेगरी मेंशन आ रही होती है। आप अपने कंपेटिटर की दूसरी गिग्स ओपन करें, वहां पर आपको नजर आ जाएगा कि यार इसने क्या कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है। 5-10 गिग्स ओपन कर लें और देख लें सबने क्या कैटेगरी यूज किया, दैट्स इट। ज्यादा इसमें आपको सब यहाँ पे घुसेंगे कौन सी करूँ क्या ना करूँ, फाइवर भी आपको खुद सजेस्ट कर देता है जो भी आपने टाइटल लिखा हुआ है, आप उसके हिसाब से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे मेथड आपको पता लग गए। उसके बाद सर्विस टाइप क्या है जी, हमारी जो ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च स्ट्रेटजी एंड रिसर्च की है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद टारगेटेड ऑडियंस आपने बता देनी है, किस किस टारगेट ऑडियंस को आप करने वाले हैं। आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फाइंड करके देते हैं, लेकिन किन लोगों को, एनिमल पेट्स से रिलेटेड फाइंड करके देते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वालों के लिए, किस निश के लिए, वो यहाँ से आपने दो निश सिलेक्ट कर लेनी है। ज्यादा चलने वाली ब्यूटी एंड फैशन है, एनिमल्स की भी है, इसके अलावा फूड वाले भी है, बट ठीक ठाक है, इतना ज्यादा वो नहीं है। म्यूजिक वाला बहुत चलता है, ट्रैवल के बहुत ज्यादा चलते हैं, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का, ये वो निश्चित है जिनके अंदर अच्छा खासा काम है। नंबर वन पे ब्यूटी एंड फिट फैशन है, बाकी आप वाइस वर्सा चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैंने दो कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। आपने यहाँ से प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हमारे इस केस के अंदर हम इंस्टाग्राम पर है तो हमने यहाँ से इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेना है। टैग्स आपने कैसे फाइंड करने हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो जो टैग्स आपने फाइंड किया वो यहाँ पर आपने एंटर कर देने। फिलहाल मैं यहाँ पर एक फर्जी टैग यहाँ पर मैंने डाल दिया और मैं यहाँ से सेफ एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। 5 टैग्स एंटर कर सकते हो, करेक्टर लिमिट है, ध्यान से बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े टैग्स नहीं डाले। सेफ एंड कंटिन्यू किया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड आ जाती है जी प्राइसिंग। प्राइसिंग के लिए फाइवर की तरफ से आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट यही मिल रहा होता है कि आप एक ही पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल पैकेजेस ऑफर करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर देते हैं और यहाँ से आप मल्टीपल प्राइसिंग रख सकते हैं, यानी कि बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, जो भी आप प्राइसिंग रखना चाहते हैं। आपने अपनी गिग की, अपनी सर्विस की प्राइसिंग एज अ फ्रीलांसर किस तरह सेट करनी है, इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी, तो उसका आप जरूर वेट कीजिएगा। अभी के लिए कुछ आपको बेसिक से एक चीज बता देता हूं। आप जाएंगे अपने कंपेटिटर को, उसको ओपन करेंगे और देखेंगे उन्होंने क्या गिग्स अपनी प्राइसिंग के अंदर उन्होंने क्या 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 स्ट्रेटेजी यूज की हुई है। अगर आपकी सर्विस के अंदर मोस्टली लोग सिंगल प्राइसिंग के ऊपर जा रहे हैं, इट मींस और उनके अच्छे खासे ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए हैं, इट मींस उनके सिंगल प्राइसिंग की जो स्ट्रेटेजी है ये परफेक्टली काम कर रही है। ये मैं बाय द वे आगे आपको प्राइसिंग के पूरे सेक्शन में समझाऊंगा, ये चीजें क्या होती है, सिंगल प्राइसिंग क्या होती है, कब रखनी चाहिए, मल्टीपल प्राइसिंग जो ऑप्शन है वो क्या होती है और उन्हें यूज कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नॉर्मली बस बेसिक का प्लान है तो इसका मतलब हम उसको 1000 रख देते हैं, मीडियम वाले को 2000 रख देते हैं और प्रीमियम वाले को
तो 3000 रख देते हैं। हम नॉर्मली इस तरह से प्राइसिंग सेट कर रहे होते हैं, भाई प्राइसिंग भी पूरी एक साइंस है, उसको समझ के अगर आप प्राइसिंग रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके कन्वर्जन के चांसेस बढ़ सकते हैं। वो मैं पूरा आपको उसमें समझाऊंगा कि मैं अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग किस तरह से रख रहा होता हूं, क्योंकि मैं अपनी दूसरी जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो फेसबुक एड्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सेल भी कर रहा होता हूं, तो मैं किस तरह से अपनी प्राइसिंग के साथ खेलता हूं और उससे मेरी कन्वर्जन बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। वो चीजें मैं आपके साथ आगे प्राइसिंग वाले सेक्शन में डिटेल में शेयर करूंगा। अभी फिलहाल समझाने के लिए आपको मैं ये बता देता हूं, जो भी आप पैकेज मल्टीपल ले रहे हैं सिंगल, सबसे पहले आपने उस पैकेज का नाम रख लेना। पहले ये होता था कि यार यहाँ पर आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स के साथ खेल सकते थे, उससे आपको एसईओ में फायदा होता था, लेकिन मैं अब आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अब आप एसईओ को इतना ज्यादा फोकस ना रखें कि हर जगह पर कीवर्ड्स मत डालें, आप उसके नाम और डिस्क्रिप्शन अट्रैक्टिव और टू दी पॉइंट रखें। मिसाल के तौर पे बेसिक है, आप इसका नाम जो भी रखना चाहें, नेम की कोई टेंशन नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको कीवर्ड स्टफिंग करने की जरूरत नहीं है। आप इस प्राइस पॉइंट में अपने क्लाइंट को क्या क्या चीजें देने वाली हैं वो दो चार पॉइंट्स यहाँ पे एंटर कर देने, पूरी पूरी लंबी लंबी डिस्क्रिप्शन, पूरी पूरी उस पॉइंट को आपने एक्सप्लेन नहीं करना, वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर कर रहे होंगे। यहाँ पर आपने हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखने हैं, आप इन्फ्लुएंसर रिसर्च करके देते हैं, लेट्स से आप $10 प्राइसिंग के अंदर 20 इन्फ्लुएंसर फाइंड करके दोगे, कंट्री स्पेसिफिक होंगे या नहीं होंगे, इस तरह की छोटे जो हाइलाइटेड मेन की पॉइंट्स होंगे आपकी सर्विस से रिलेटेड वो आपने एंटर करने हैं। आप वेबसाइट बना कर देते हैं तो उसके अंदर आप बताएंगे, हाँ यार मैं सिर्फ रियल एस्टेट के लिए बनाता हूँ और इतने पेजेस की साइट होगी, लेट्स से आप $50 चार्ज कर रहे हैं, तो अब इस तरह तो नहीं 1000 पेजेस की साइट है या क्लाइंट की, लेट्स से इतनी तो नहीं होती रियल एस्टेट की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आप 1000 पेजेस तो नहीं ना उसके अंदर बना के देंगे। आपने इस तरह से जो मेन की फीचर्स है, की पॉइंट्स है, वो आपने अपनी प्राइसिंग के अंदर यहाँ पर बताते हैं। डिलीवरी टाइम आपका कितना होगा, 1 day 2 day 3 days, एक चीज जो टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं मेक श्योर कीजिएगा कि भाई उससे पहले आपने डिलीवर करने। अगर आपको लगता है कि यार मैं $10 के अंदर जो काम करके देने वाला हूं उसके अंदर मुझे एक दिन या लगभग से 4 घंटे लगने हैं, तो फिर आप 1 day डिलीवरी टाइम सेलेक्ट कर लो और आप उसके ऊपर काम करो, और जो आपने कमिटमेंट कर दी उससे पहले आपने डिलीवर करना, ये चीज आपने जरूर ख्याल रखनी है। क्लाइंट के टाइम को आपने वैल्यू जरूर देनी है। हाँ, अगर आप एक दफा फाइबर के ऊपर कोई प्रोजेक्ट आप डिलीवर करते हैं और क्लाइंट आपको लेट्स से 2-4 दिन के बाद भी रिस्पांस करता है, अब आपके डिलीवरी टाइम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी बंदे का ऑर्डर डिलीवर किया और वो आपने एक दिन उसने आपका ड्यूरेशन सेलेक्ट किया, अब होता क्या है कि जब आप उसे ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं, जब वो आपको चेंजेस के लिए कहता है तो वही प्रोजेक्ट 2-3 दिन के ऊपर जाता है, आपका भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है, क्लाइंट के लिए अलग से फ्रस्ट्रेशन होती है। इसलिए आपने टाइम वो रखना है कि एटलीस्ट उससे 50-60% पहले आप अपना प्रोजेक्ट जो डिलीवर कर दे। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनका ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह फायदा होगा। आगे डेडिकेटेड वीडियोस के अंदर भी मैं इन चीजों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट आई होप सो कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। बाकी यहाँ पर ये जो चेक पॉइंट्स है आप यहाँ पर बता सकते हैं, निश्ट एंड रिसर्च है, जो सर्विसेज आप एक्स्ट्रा देने वाले हैं या इस पैकेज में देने वाले हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। कितने इन्फ्लुएंसर होंगे ये आप बता दें, हैशटैग इसमें इंक्लूडेड है नहीं है वो आप बता देंगे, और ये जो चीजें अगर आपके पैकेज के अंदर इंक्लूड है ऐड कर दें, नहीं है तो अगर आप प्रीमियम में दे रहे हैं तो प्रीमियम में टिक कर दें। कितने कॉन्टैक्ट होंगे, लेट्स से 8 होंगे या जितनी भी, प्राइसिंग आप क्या वाले हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने इसकी प्राइसिंग रख दी कि ये $10 का पैकेज, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, प्राइसिंग के ऊपर ये साथ ही फाइबर अगर आप देखें, हर चीज के ऊपर आपको एक अलग अलग से यहाँ पर साइड पे इस जगह पर आप देखेंगे आपको टिप्स भी मिल रही है, आप इन टिप्स को यूज करें और इसको अच्छे से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये आपकी गिग के एक्स्ट्राज हैं, जैसे आपने 2 दिन का डिलीवरी टाइम लिखा, क्लाइंट कहता है जी मुझे 1 दिन के लिए चाहिए, तो अब आप उसके लिए उसको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पर एड एक्स्ट्राज रखा हुआ। आप जरूर किया करें। देखिए, ये जितने भी एक्स्ट्राज पॉइंट है ये सर्विसेज है, एड ऑन्स के तौर पर बिकती है। एड ऑन्स क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे क्लाइंट आपसे कहता है कि यार मुझे एक सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करवानी है, उसने कहा जी यार मुझे फेसबुक पेज की पोस्ट है वो मुझे डिजाइन करवानी है, आप साथ ही साथ एड ऑन्स के अंदर ये सर्विस भी पिच कर दे कि यार आप सिर्फ $5 या $10 एक्स्ट्रा दे दें, मैं आपको इंस्टाग्राम के लिए भी और स्टोरी के लिए भी इसको साथ रीडिजाइन कर दूंगा। इस एड ऑन सर्विस से फायदा क्या होता है, डिजाइन तो आपने एक दफा बना लिया, क्लाइंट ने उसको अप्रूव कर देना है, बन गया, अब सिर्फ उस डिजाइन को रीसाइज करना है और उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। सो इस तरह से एड ऑन्स आप ऐड करते हैं अगर अपनी सर्विस के अंदर, आप ज्यादा बिजनेस बना सकते हैं। आप लेट्स से वेबसाइट बनाकर दे रहे हैं और क्लाइंट आपने बेसिक पैकेज के अंदर 10 पेजेस रखे हैं और आपका जो नेक्स्ट प्रीमियम पैकेज है उसके अंदर आप 20 पेजेस की वेबसाइट बना के दे रहे हैं, लेकिन क्लाइंट कहता है कि यार मुझे सिर्फ 2 पेजेस एक्स्ट्रा चाहिए, 3 एक्स्ट्रा चाहिए, आप यहाँ पर एड ऑन्स में ऐड करते हैं, 3 पेजेस एक्स्ट्रा ऐड करवाने उसके इतने पैसे। एक मिसाल दे रहा हूँ, जो आपको यहाँ पर जितनी ऑप्शन मिलते हैं, बाय द वे जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा यहाँ पर आपको एड एक्स्ट्रा की जो ऑप्शन है वो और चीजें आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपने एक्स्ट्रास को वाइजली यूज करना है और जरूर यूज करना। सेफ एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे नाम वगैरह दिया, डिलीवरी टाइम मैंने सैंपल दे रहा हूँ और यहाँ से मैंने सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपने अपनी सर्विस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एक एक चीज एक एक की पॉइंट आपने यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मैंने एक सैंपल डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है, किस तरह उसके अंदर कॉपी राइटिंग यूज करनी है वो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, एंड सभी लिंक्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल रहे होंगे, आप वो डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देखकर अपने लिए फ्री में
अच्छे डिस्क्रिप्शन आप लिख सकेंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी यस, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, अब तो फाइबर आपको वैसे ही रोक देगा, लेकिन आपने ये नहीं करना कि एक कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं, वही बार बार आप डिस्क्रिप्शन में पुट करते जा रहे हैं कि यार हाँ इससे मुझे रैंकिंग हो जाएगी, ये चीजें फायदा हो जाएंगी, ये चीजें फायदा देती थी अब नहीं, तो इसलिए ये गलतियां आपने नहीं करनी। वैसे तो अगर आपकी यू नो डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई भी वर्ड आपने ज्यादा यूज किया तो वो वैसे ही आपको रोक देगा, भाई ये एक्सेस यूज हुआ वर्ड है, इसको रिमूव करें, तभी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। माइलस्टोन ऑफर भी फाइबर ने निकाल दिया। लेट्स से आपका प्रोजेक्ट है $1,000 का, ठीक है, आपने क्लाइंट से $1,000 की बात कर ली, अब आपको जाहिर है कैश फ्लो तो चाहिए ना अपने बिजनेस में। हो सकता है कि यार आपके साथ और भी बंदे काम कर रहे हो, आपने उनको इन्वॉल्व किया, आपने उनको पे करना है, अब $1,000 जब आपको मिलने हैं तब तक वो बंदे आपके साथ काम करें तो ये जरूरी नहीं है, तो हो सकता है आपको पॉकेट से उनको पे करना पड़े। और फिर ये भी होता है बाज़ दफा कि क्लाइंट का आपने वो काम करते जा रहे हैं और लास्ट पर आके क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल कर दे, तो आपकी वो सारी मेहनत और वो इन्वेस्टमेंट जाया चली जाती। तो फाइबर ने ये अच्छी चीज की है, माइलस्टोन इंट्रोड्यूस करवा दिए कि यार आप क्लाइंट के साथ माइलस्टोन तय कर सकते हैं कि लेट्स से यार मैं एक हफ्ता इस चीज के ऊपर काम करूंगा और इसके बाद आप मुझे लेट्स से $250 रिलीज कर देंगे, एंड नेक्स्ट वीक आप $250, फिर $250, और एक मंथ में हम $1,000 के इस प्रोजेक्ट को इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। क्लाइंट का भी फायदा है कि यार वो स्टेप बाय स्टेप चलता है तो उसको डिलीवरी ऑन टाइम मिल रही होती है, चीजें उसके सामने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो रही होती है, वो देख रहा होता है कि ठीक है यार मेरा काम अच्छे से चल रहा है, और उसको भी माइलस्टोन में पे करने के लिए उसके लिए भी थोड़ा इजी होगा। तो क्लाइंट और सेलर दोनों को इस तरह से एक बैलेंस मिल जाता है, काम जल्दी मिलता है और फ्रीलांसर को टाइम पर पैसे मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज भी फाइबर के ऊपर काम करती है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को पे करना होता है, तो उनके लिए भी ये काफी सेफर ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इस ऑप्शन को आपने जरूर यूज करना है और ध्यान से यूज करना है। देखें, हम जो भी सर्विस प्रोवाइड करने लगते हैं ना, एक टाइम आता है कि जब हमें पता है कि यार ये वो सवाल है, ये जो चीजें हैं ना, ये हर बंदा हमारे से पूछता है। जैसे कि मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे बस भाई गीक कैसे रैंक करवानी है, फाइबर पर ऑर्डर कैसे मिलेगा, फेसबुक की एड कैंपेन को मैं अच्छा कैसे बनाऊं, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। तो इस FAQ के सेक्शन के अंदर आपने वो सभी सवाल आपने पहले से लिख देने हैं। क्लाइंट आपसे पूछे उसका भी टाइम जाया होता है और आपका भी टाइम वेस्ट होता है बार बार उन्हीं सवालों के जवाब देने में, ठीक है। तो आपने जो चीज़ आपको पता है कि यार मेरी सर्विस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, क्लाइंट के माइंड में आ सकते हैं कि यार लेट्स से मुझे आपको लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी या नहीं, अगर मुझे वेबसाइट का काम करवाना है तो मुझे क्या क्या डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है, इस तरह के आपने वो क्वेश्चंस बनाने हैं और वहाँ पर उसका आंसर लिख दें, ठीक है। बाज़ क्लाइंट कह रहा होता है कि यार मनी बैक गारंटी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, काम अगर मेरा अच्छा नहीं होता तो क्या होगा, इस तरह के भी क्वेश्चंस क्लाइंट्स के होते हैं, तो वो आपने FAQ सेक्शन के अंदर ऐड कर देने। इसका भी अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा, अब ये जो मैंने स्टार्ट में बात की एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा तो उसमें आपको टाइम लग सकता है, तो आप स्टार्ट में FAQs कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको तरीका बताता हूं। आप सिंपली फाइबर पर जाओगे और डिफरेंट गिग्स अपने कंपेटिटर्स के ओपन करोगे, देखोगे उन्होंने क्या FAQs ऐड किए हैं, स्टार्ट में आप वो ऐड कर लें, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये वो सवाल है जो मेरे FAQ में ये चीज ऐड नहीं है लेकिन ये बार बार एक चीज आ रही है, रिपीटेटिव हो रही है, तो मैं इसको FAQ में ऐड कर देता हूँ। क्लाइंट को पहले से पता होगा कि यार इसमें ये चीज इसको मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो इस तरह से फिर आप बाद में भी अपने FAQ सेक्शन को अपडेट कर सकते हैं। मस्ट यूज कीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल होता है, आपका और आपके क्लाइंट का बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। अगेन हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपका सेक्शन आ जाता है जी रिक्वायरमेंट्स का, और आपने यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देनी है कि आपको क्लाइंट से क्या क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लाइंट का फेसबुक पेज मैनेज करना चाहते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस है बिजनेस मैनेजर के थ्रू उसकी एक्सेस लीजिए, क्लाइंट से उसका पासवर्ड वगैरह मत मांगिए। तो यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट्स आपको क्लाइंट से चाहिए वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे, जब क्लाइंट को चीजें सबमिट करेगा तभी वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना। अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपकी फाइवर की गिग इमेज, और फाइवर गिग इमेज के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड लेक्चर बना चुका हूँ, वीडियो क्लास में उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आने के बाद आपने अपनी गिग के अंदर इमेजेस आप तीन ऐड कर सकते हैं, आप तीनों यूज करें बेहतर है। कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं PDF फाइल वो एंटर कर सकते हैं, एंड बेस्ट पार्ट इज वीडियो, अगर आप अपनी गिग की अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं यार वो सबसे बेस्ट है। आप उस एक मिनट के अंदर उसको ड्यूरेशन रखें और उस वीडियो के अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे, इससे बेस्ट कोई चीज नहीं है। वीडियो आपकी जो गिग के इंप्रेशंस है उसको बहुत अच्छा बूस्ट देते हैं, बल्कि ये आप टिप्स पढ़ेंगे तो 40% ये फाइबर भी बता रहा है कि यार आपकी गिग के इंप्रेशंस को फर्क पड़ता है। सो वीडियो मस्ट यूज करनी है आपने, और ऐसी बहुत सी गिग्स की कैटेगरी है लेट्स से वीडियो एडिटिंग, तो उसके अंदर आपको ऑब्वियसली वीडियो तो अपलोड करनी पड़ेगी, कि आप अगर वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसका आपको सैंपल अपलोड करना पड़ेगा। सो कई जगहों पर आपको फाइबर खुद से कहेगा कि भाई वीडियो लाजमी एंटर करो, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते। फिलहाल मैं एक सैंपल इमेज यहाँ पर एंटर कर देता हूँ,
और यहाँ से हम क्लिक करते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे। एक और चीज, जब भी आप गिग बनाने लगे होंगे तो उस गिग से रिलेटेड कुछ टेस्ट भी होंगे, फाइवर आपसे बेसिक इंग्लिश टेस्ट होगा या आप जो भी सर्विस दे रहे हैं अगर उसके ऊपर कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी गिग को पब्लिश करेंगे। यहाँ पर ये देखिए टेस्ट की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो मैं ऑलरेडी ये टेस्ट दे चुका हूँ फाइवर इंग्लिश टेस्ट का, तो यहाँ पर मुझे कह रहा है आप अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही पब्लिश के ऊपर क्लिक करूंगा मेरी गिग जो है वो लाइव हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जब भी आप फाइवर के ऊपर गिग क्रिएट करने लगेंगे पब्लिश करने से पहले फाइवर आपसे कोई ना कोई टेस्ट जरूर लेगा, कोई ले ना ले फाइवर का जो बेसिक इंग्लिश टेस्ट है वो जरूर लेगा आपसे। और इसी तरह आपकी सर्विस के ऊपर भी डिपेंड करता है, फाइवर आपसे डिफरेंट स्किल्स के ऊपर, डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर डिफरेंट टेस्ट की डिमांड कर सकता है। तो आपने ईमानदारी के साथ उन टेस्ट को क्लियर करना, अगर आप वो टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आप वो गिग पब्लिश फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं कर सकते। इसका एक जुगाड़ू तरीका कोई तो होगा ना बासी भैया ना, तो वो बता देता हूँ इशारतन, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका था फाइवर वालों ने मुझे, तो इसलिए मैं वो हरकत नहीं करूंगा। बाकी गूगल पे हर चीज़ का हल मौजूद है, आप दो डिवाइसेस यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं। तो आपने बस टेस्ट देना है, अच्छे से टेस्ट देना है, ईमानदारी के साथ देना है, अकलमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है, इशारा काफ़ी अच्छा खासा दे चुका हूँ, तो बाकी आप समझदार हैं तो कीजिएगा, टेस्ट क्लियर करके आप अपने गिग को पब्लिश कर सकते हैं। बट यार एक चीज़ है, अगर आप बेसिक सा टेस्ट होता इतना कुछ नहीं होता, अगर आप वो भी नहीं ना दे सकते तो या फिर आपको एक दफ़ा सोचना चाहिए कि आप वो काम कर भी सकते हैं या नहीं। सो प्लीज़ आप, बेहतर यही है कि आप वो टेस्ट खुद से परफॉर्म करें, आप कितने पानी में हैं आपको भी पता चल जाए, और होता बहुत बेसिक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप सो कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, बड़े पंगे हुए हैं आज की वीडियो में बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह मैनेज कर लिया वीडियो रिकॉर्ड, होप सो कि हो गई होगी, कोई इशू नहीं होगा। तो यार एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा और टैग कर दीजिएगा अपने दूसरे दोस्तों को, अपने फ्रीलांसर दोस्तों को, ताकि वो भी वीडियोस देखें, और अगर की क्रिएशन में वो कोई मिस्टेक कर रहे हो तो वो ना करें और उनका भी काम चल जाए। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, ये स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट कोर्स आ रहा है, इस पर क्लिक करें, जितने भी लिंक्स है जिसमें डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, टाइटल टैग रिसर्च कैसे करनी है, नीश कैसे फाइंड करनी है, कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस पर क्लिक करके आप वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।